हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर एक हिंदू वाइफ है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो वो अपने फादर इन लॉ के पास मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक डॉटर इन लॉ, विडोड डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो डॉटर इन लॉ है उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स ना हो जिससे वो अपना खर्चा पानी चला सके, ठीक है। या फिर उसके पास कोई और भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके थ्रू वो अपना अपने आप को मेंटेन कर सके, ठीक है। उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसके, और उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है उसके हस्बैंड की एस्टेट से, एस्टेट यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी होती है उससे, ठीक है। उसके फादर या मदर की प्रॉपर्टी से भी उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा उसके जो खुद के बेटा या बेटी के थ्रू भी या उनके एस्टेट के थ्रू भी उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ऐसे में जो विडो डॉटर इन लॉ है वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। इसमें भी अगर फादर इन लॉ हैं उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, को पार्सनरी प्रॉपर्टी से भी वो उनको उनको मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे, कोई सोर्स नहीं है कि वो उनको मेंटेनेंस दे पाए, ऐसे में फादर इन लॉ जो है उनको ये जो उनका जो क्लेम, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनफोर्सेबल नहीं होगी फादर इन लॉ की के ऊपर कि मदर डॉटर इन लॉ को वो मेंटेनेंस दे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर डॉटर इन लॉ है अगर वो दोबारा शादी कर लेते हैं तो उस पर भी वो फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं जैसे मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन और विल के ऊपर, प्रोबेट के ऊपर, सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, और द राइट ऑफ द विडो डॉटर इन लॉ ऑन द पेरेंट्स इन लॉज प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।